नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मीन लाइफ या एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द एटम के बारे में। तो हम रेडियो एक्टिविटी में डिस्कस कर रहे थे और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था हाफ लाइफ ऑफ द एटम के बारे में। तो जैसा कि हमने अभी तक के वीडियोस में पढ़ा है, बारे में रिपीट किया है कि जो रेडियो एक्टिविटी है ये बेसिकली क्या है, एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है जिसमें जो एक एलिमेंट है उसका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस डिसइंटीग्रेशन होता है। लेकिन इस जो कॉन्टिन्यूअस डिसइंटीग्रेशन हो रहा है एटम्स का, ये प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है कि कौन सा एटम कब डिसइंटीग्रेट होगा। एक एटम हो सकता है अभी डिसइंटीग्रेट हुआ हो जिसकी लाइफ टाइम जीरो हो जाएगी, या एक एटम हो सकता है इनफाइनाइट टाइम के बाद होगा जिसकी लाइफ टाइम जो है वो इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो कौन सा एटम कब डिसइंटीग्रेट होगा इसको हम पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एवरेज लेके चलते हैं और एवरेज जो हमारे पास लाइफ टाइम होता है वो हम डिफाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए, क्योंकि एक एलिमेंट में कई सारे एटम्स होते हैं। ठीक है, तो एवरेज लाइफ हमारा बेसिकली क्या कहता है कि सम ऑफ लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम टू द टोटल नंबर ऑफ एटम, जिसको हम फॉर्मूले के रूप में हम कह रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक एटम है उसमें मान लीजिए कि जैसा कि पिछली बार में हमने कहा था कि एक एलिमेंट है उसमें मान लीजिए हमारे पास 10 एटम है, तो उस एलिमेंट के 10 एटम की इंडिविजुअल की जितनी जितनी लाइफ टाइम होगी उनका जो टोटल सम, यानी कि 10 की लाइफ टाइम का टोटल सम और अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम यानी कि 10, यानी कि सबके लाइफ टाइम को ऐड कर दो फिर टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज लाइफ टाइम आ जाएगी। सीधा सा एवरेज का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला, जिससे कि हम आगे हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह करनी होंगी या हमें किसी भी दूसरे एलिमेंट के लिए अगर हमें निकालना है तो कैसे हम करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक बेसिक जो अभी तक हमने जो मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन में फॉर्मूला लिया है, जो नोटेशन लिए हैं, उन्हीं नोटेशन को यूज करते हुए हम कहें कि मान लीजिए कि n जो हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो n नॉट होंगे, और मान लीजिए t इज टू एक टाइम पीरियड मान लिया हमने और इससे t प्लस dt एक स्मॉल टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा में हमने क्या माना कि हमारे पास जो dn एटम होंगे वो डिसइंटीग्रेट हो चुके होंगे। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, अब अगर हम टोटल लाइफ बतानी चाहें कि एटम कितनी होगी तो टोटल जो हमारे पास लाइफ आएगी वो क्या आ जाएगी, dn और कितना टाइम पीरियड और लग गया, t प्लस dt। ठीक है, अब हमने कहा कि जो dt टाइम पीरियड है ये बहुत छोटा है। ठीक है, dt टाइम पीरियड छोटा है t के कंपैरिजन में, क्योंकि t लाइफ टाइम हम अगर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करें, dt को यहां पर निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल लाइफ का फॉर्मूला आ जाएगा, वो टोटल लाइफ जो हमारी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, dn into t। ठीक, अब हम यहां पर क्या डिफाइन करेंगे, अगर एवरेज लाइफ डिफाइन करते हैं, एवरेज लाइफ, तो एवरेज लाइफ को हमने क्या कहा कि टी अल्फा से डिनोट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम से हमें डिवाइड करना है तो हमने पहले कर लिया क्योंकि इनिशियल नंबर ऑफ एटम कितने थे, एन नॉट। अब यहां पर हमें टोटल इसका लेना है, एवरेज लेना है, तो एवरेज में क्या होगा, सारे को हम कंक्लूड करेंगे एक पर्टिकुलर का था, तो हम जीरो से टी, बताया ना हमने रेंज बहुत बड़ी है कि एक इस इंस्टेंट पर डीटी होगा उसकी लाइफ टाइम जीरो हो जाएगी, मान लीजिए टी इज इक्वल टू बहुत सारे टाइम के बाद हो सकता है, तो जीरो से टी हमारे पास जो रेंज आ गई। ठीक है, और ये टी क्या होता है, जीरो से इनफाइनाइट के बीच में वैरी करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, dn into t। ठीक, अब इसको हम एक यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मान के चलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली अगर हमने लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी जैसा कि पढ़ा था आपको याद होगा फॉर्मूला, तो हमने क्या पढ़ा, n is equals to n naught e की पावर माइनस लैम्डा इनटू t। यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे करना है बेसिक सा डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, dn n naught ये फिक्स्ड वैल्यू है तो इसको हम लिखेंगे n naught, और e की पावर माइनस लैम्डा इनटू t के लिए हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा माइनस लैम्डा और ये फिर से e की पावर माइनस लैम्डा इनटू t। ठीक है, अब इस dn की वैल्यू को हमें कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, अपनी इस इक्वेशन में। ठीक है, तो अब देखें हम यहां पर से कहते हैं हाँ, और यहाँ पे dt भी तो आएगा, ये dt भी आएगा। अब देखिए यहां से अगर इस फॉर्मूले को लिखना चाहें t हाफ, तो t हाफ कितना आ जाएगा, 1 अपॉन n नॉट और 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि t कहा ना हमने, t कहां से वैरी करेगा, 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट और ये n नॉट माइनस लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा t dt और t पहले से है, n not कैंसिल हो गया। अब चलिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये रेंज मैंने डिफाइन कर दी आपको कि t 0 से इनफाइनाइट के बीच में वेरी कर सकता है, तो यहां से अब हम t हाफ अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको हम लिखते हैं माइनस लैम्डा जो कांस्टेंट है इसको हम बाहर ले आते हैं, तो हमारे क्या पास क्या बचा, 0 से इनफिनिटी और t into e की पावर माइनस लैम्डा into t और dt। अब क्या करना है आपको, इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में क्या करना है आपको, u इंटू वी के आप फॉर्मूले से
यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर मान ली टी को हमने फर्स्ट मान लिया तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस लेमडा ऑफ टी डी टी हो जाएगा, और फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम तो डी अपॉन डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन टी मांगा था, और फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा किसका, माइनस लेमडा इंटू टी और डी टी का, और इसका हम क्या कर लेंगे होल इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन, डी टी लगाएंगे इंटीग्रेशन है, और यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट आएंगी वो क्या जाएंगी जीरो से इंफिनिटी। ठीक है, यहाँ से टी अल्फा लिखेंगे हम तो क्या आएगा कि टी, अब देखिए e की पावर माइनस लेमडा इंटू टी तो यहाँ पर ये आएगा और माइनस लेमडा पीछे आ जाएगा। अब यहाँ पर t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा वन, और यहाँ से फिर से हमारे पास माइनस लेमडा इंटू टी, और यहाँ से हमारे पास फिर से आएगा माइनस लेमडा, और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे जीरो से इंफिनिटी। फिर से सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पे क्या आएगा माइनस लेमडा को आप ऐसे ही रखिए, टी ऐसे ही रखिए, माइनस लेमडा इंटू टी और ये माइनस लेमडा ऐसे ही रखो, ये माइनस माइनस साइन क्या हो गया प्लस, अब फिर से इसका इंटीग्रेशन करोगे माइनस लेमडा इंटू टी और फिर से क्या आएगा माइनस लेमडा बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा जीरो से इंफिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंपल से क्या करेंगे कि आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सब्स्टिट्यूट करके आप जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये निकल के आएगा वन अपॉन लेमडा स्क्वायर। ठीक है, वो भी माइनस का, तो यहाँ पे लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से सिंपल सी आपकी वैल्यू टी हाफ की वैल्यू जो निकल के आएगी ये निकल के आएगी वन अपॉन ऑफ लेमडा। लेमडा क्या था, हमने कहा था रेडियोएक्टिव कांस्टेंट। अब रेडियोएक्टिव कांस्टेंट पढ़ा था तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक दूसरे फॉर्म में भी रिलेट कर सकते हैं। कभी कभी पूछता है कि हाफ लाइफ ऑफ एवरेज लाइफ के बीच में आपको क्या करना है, रिलेशन शो करना है। तो अगर केवल हाफ लाइफ की बात करें, हमें केवल रेडियोएक्टिव कांस्टेंट दिया हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू में, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और सीधा सा हमारा टी हाफ आ जाएगा। अगर हमें हाफ लाइफ टाइम दे रखा है उसके टर्म में निकालना है तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, टी हाफ, अब लेमडा की वैल्यू हमने पढ़ी क्या थी, देखिए पहले टी हाफ का फॉर्मूला हम याद करते हैं। टी हाफ हमने क्या पढ़ा था 0.693 बाय लेमडा, तो यहां से आप लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ टी हाफ। ठीक है, तो यहां पे लेमडा की वैल्यू रखो 0.693 और ये कितना आ जाएगा टी हाफ, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.4 ऑफ टी हाफ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया किसका, टी हाफ के टर्म में एवरेज लाइफ का। तो हम क्या देख सकते हैं कि जो एवरेज लाइफ है वो 1.4 टाइम्स है कितना, आपके लाइफ टाइम जो था हाफ लाइफ टाइम ऑफ द एटम के बराबर। ठीक है, तो ऐसे कुछ मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन के जरिए हम बता सकते हैं कि हमारा जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है वो कैसे रिलेट हो रहा है एवरेज लाइफ के साथ में, और कैसा हमारा जो एवरेज लाइफ टाइम निकल के आ रही है वो रेडियोएक्टिव कांस्टेंट पे ही बेसिकली कह सकते हैं डिपेंड करती है। और एवरेज लाइफ है बेसिकली क्या कि एक पर्टिकुलर एटम के बारे में हम बात ना करके पूरे एलिमेंट के, एलिमेंट में जितने भी एटम है उनके हम एवरेज लाइफ टाइम के बारे में बात करते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा एवरेज लाइफ टाइम, या जिसको हम मेन लाइफ टाइम ऑफ द एटम भी कहते हैं। अगली वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सोडी फोटॉन डिस्प्लेसमेंट लॉस के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।